मैंने अपना साफ सुथरा सा पैन ले लिया एक बिल्कुल खुश किया हुआ, और उसके नीचे मैं फ्लेम ऑन करने लगा हूँ, मीडियम से लो फ्लेम ऑन करूंगा। और उसके अंदर मैंने जो हाफ कप घी लिया था वो मैं डाल के अपने घी को गर्म कर लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घी गर्म हो गया है। ये जो मैंने चार सब्ज इलाचियां ली थी वो मैं अब इसके अंदर डाल रहा हूँ, और इनको मैं हल्का सा कड़कड़ा दूंगा। इससे जो इलाचियों की खुशबू है ना वो घी के साथ ऐड हो जाएगी, इलाचियों को अगर हम कड़कड़ा लेंगे। हमारी इलाचियां भी कड़कड़ाई गई हैं। अब हम स्टेज पे मैंने ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया था और वो मैं अब इसके अंदर डाल रहा हूँ, और इसको मैं घी के साथ हल्का सा फ्राई कर लूंगा। और आपको एक और भी चीज टिप देता जाऊंगी, अगर आप घी ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा ऑयली ब्रेड पसंद करते हैं, तो आप बेशक 1/8 टेबल स्पून घी की और ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको उधर ब्राउन कर लेते हैं। व्यूअर्स, मैंने फ्लेम जो है अपना मीडियम टू लो रखा हुआ है, और ब्रेड को मैं साथ साथ हिला रहा हूँ। हम जितना ब्रेड को भूनेंगे, जितना इसका डार्क कलर चेंज करेंगे, उतना ही हलवा हमारा अच्छा बनेगा। तो इसको ब्रेड को मुसलसल हिलाते रहना है। व्यूअर्स, हमने 5 से 6 मिनट अपनी ब्रेड को अच्छे तरीके साथ घी और इलाचियों के साथ फ्राई कर लिया है, ब्रेड ने कलर भी चेंज कर लिया है। अब स्टेज पे जो मैंने आपको 2 कप दूध बोले हुए थे वो मैं इसके अंदर ऐड करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। दूध ऐड करेंगे, और साथ ही जो मैंने आपको चीनी बोली हुई थी वो चीनी भी मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। और अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं और पकाएंगे। व्यूअर्स, आपने फ्लेम जो है अपना वो मीडियम ही रखना है, लो टू मीडियम फ्लेम ही रखना है, और इसके अंदर मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, और दूध को हमने अब इसको खुश्क करना है। तो चलते हैं, दूध खुश्क होने पर मिलते हैं आपसे। व्यूअर्स, मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं दूध के साथ अपने ब्रेड को पकाते हुए, और इस स्टेज पे जो मैंने एक अंडा लिया था उसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है, और वो अंडा मैं अब इसके अंदर मिक्स कर रहा हूँ। और चम्मच अपनी मैं मुसलसल हिलाऊंगा, चम्मच आपने रोकनी नहीं है। व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो दूध है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। इस स्टेज के ऊपर जो मेरे पास 3 टेबल स्पून ड्राई मिल्क पड़ा हुआ था मैं वो इसके अंदर ऐड कर दूंगा, और फिर इसको अच्छे तरीके से इसके साथ मिक्स कर लूंगा। व्यूअर्स, आप ड्राई मिल्क की जगह पे आप खोया भी बीच में ऐड कर सकते हैं, और अगर आपके पास खोया ना हो तो आप जब ड्राई मिल्क ऐड करेंगे तो बिल्कुल खोए जैसा आपको इसका जायका आएगा। और लेट्स सपोज अगर आपके पास ड्राई मिल्क और खोया दोनों नहीं है तो आप दोनों के बगैर भी इस हलवे को बना सकते हैं, बहुत अच्छा हलवा बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मेरा ड्राई मिल्क भी इसके साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस स्टेज के ऊपर जो मैंने किशमिश ली हुई थी वो मैं सारी डालूंगा, और जो बादाम और पिस्ता रखा हुआ था वो मैं आधा आधा मैं डालूंगा, आधा फिर बाद में मैं गार्निशिंग के काम आएगा मेरी। बादाम भी मैंने डाल लिए हैं, थोड़ा सा पिस्ता भी, और अभी मैं मजीद इसको थोड़ी देर के लिए पकाऊंगा, और चम्मच मुसलसल आपने हिलानी है इसको। व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ब्रेड का हलवा बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। यहाँ पे बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसकी, और एक छोटी सी 1-2 टिप्स मैं देता जाऊँ, अगर आपने इसमें मजीद खुशबू लानी है तो आप इसमें रोज वाटर, केवड़ा वाटर ऐड कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा नीम गर्म दूध लेके 1 या 2 स्पून उसके अंदर थोड़ा सा ज़ाफरान मिक्स करके वो, लेकिन ये सारी चीज़ें आपने तब डालनी है जिस वक्त आप इसके अंदर दूध ऐड करेंगे, तो इंशाल्लाह मजीद अच्छी खुशबू आएगी। लेकिन अभी भी इसका कलर बहुत अच्छा है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो चलें अब इसको हम डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। व्यूअर्स, मैंने अपने हलवे को अल्हम्दुलिल्लाह सर्विंग प्लेट में डाल ली है, थोड़ा थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा ली है, और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ज़ाफ़रान स्प्रिंकल करने लगा हूँ।
और उसके साथ ही मैं अपने ड्राई फ्रूट्स जो बचाए थे वो डालूंगा। हलवा बहुत लजीज बना है, बहुत मज़े का बना है, इसीलिए मैंने इसकी गार्निशिंग भी बहुत अच्छे तरीके से कर ली है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब कभी भी आपको टाइम मिले आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, और फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो आखिर मैं ज़्यादा चाहता हूँ अल्लाह ताला आपके रिस्क में और आपके खानों में बरकत डाले और लज़त डाले। अल्लाह हाफिज़।